हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, अगर आप टिकटॉक यूज़र हैं या फिर किसी बड़े टिकटॉक स्टार के फ़ैन हैं जैसे मिस्टर फैजू, अवेश दरबार, नगमा मिर्जाकर, जन्नत सुबेर और टीम 07, मतलब किसी भी बड़े टिकटॉक स्टार के फ़ैन हैं, तो आप सभी के लिए गुड इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। क्योंकि गाइस, इंडिया में टिकटॉक बैंड नहीं होगा, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। एक रिपोर्टर हैं, टीवी रिपोर्टर हैं, जिन्होंने पूरी डिटेल्स बताया, मैं आपको वो वीडियो भी बताने वाला हूं। इंडिया में टिकटॉक क्यों नहीं बैंड होगा, मैं आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूं। उसके पहले गाइस, रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इसी तरह के अपडेट्स लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जानते हैं गाइस, टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने की वजह से टिकटॉक की रेटिंग बिल्कुल भी कम हो गई थी। टिकटॉक रेटिंग सबसे लास्ट 1.2 तक आ चुका था, लेकिन गाइस अब टिकटॉक की रेटिंग फिर से बढ़ रही है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस समय टिकटॉक की रेटिंग 1.6 हो चुका है, मतलब गाइस इसमें 4 पॉइंट बढ़ गया है। टिकटॉक की रेटिंग अब फिर से बढ़ रही है, लोग इससे फिर से इंस्टॉल कर रहे हैं। टिकटॉक इंडिया में बैंड नहीं होगा गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक एप्लीकेशन जैसा कि जूम एप्लीकेशन है, जिसको आप यूज़ भी करते होंगे, तो इस एप्लीकेशन पर कुछ क्लेम हो गया था और इसकी रेटिंग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, यहाँ तक कि 2 पॉइंट तक ये रेटिंग आ चुका था। लेकिन गाइस फिर से लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करने लगे और उसकी रेटिंग फिर बढ़कर जितना था 4.5 रेटिंग थी, तो उतना फिर से कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह गाइस टिकटॉक के साथ भी होने वाला है, इसकी रेटिंग तो कम हो गई लेकिन फिर से बढ़ रही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि टिकटॉक इंडिया में बैंड होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं, टिकटॉक इंडिया में बैंड नहीं होगा। गाइस मैंने आपको जो अभी बोला कि मैं आपको एक टीवी रिपोर्टर है उनकी वीडियो दिखाने वाला हूं, तो गाइस अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उन्होंने पूरी डिटेल्स बताई है कि टिकटॉक इंडिया में बैंड क्यों नहीं होगा, आखिर क्या वजह है जो टिकटॉक इंडिया में बैंड नहीं होगा, उन्होंने पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताई। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, अगर आप टिकटॉक के स्टार किसी के बड़े टिकटॉक स्टार के फैन हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि टिकटॉक इंडिया में बैंड नहीं होगा। सभी यूजर्स टिकटॉक पर वीडियोस डाल पाएंगे, सभी यूजर टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट कर पाएंगे और आप टिकटॉक से इंजॉय कर पाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे पैसे कमा रहे हैं, तो वो भी टिकटॉक से पैसे कमा पाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इसी तरह के अपडेट्स लाते रहते हैं।